गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धनंकार जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है अमृत। प्यारी सत्संगत जी, परमपिता परमात्मा अमृत है और ये माया जो है ये जहर है। ये मन अमृत तब होता है जब ये निरंकार को जानकर निरंकार में मगन रहता है, निरंकार में डूबा रहता है, तो मन भी अमृत हो जाता है। और सदगुरु हमारे मन को अमृत बनाते हैं। अमृत मतलब जिसको पीकर इंसान अमर हो जाए, तो ये अमृत भक्तों को पिलाया जाता है। जब सदगुरु खुश होते हैं तो अमृत का प्याला, ये राम नाम का प्याला पिला देते हैं। और मन को राम नाम अमृत पिलाने की आवश्यकता पड़ती है, मन को मनाना पड़ता है, मन आसानी से नहीं मानता है। हम मन को जो कमांड देंगे वैसा ही शरीर हमारा काम करता है। मन माया के साथ जुड़ता है ना तो जहरीला हो जाता है, और परमपिता परमात्मा के साथ जुड़कर अमृत हो जाता है। ये मन जब निरंकार के साथ जुड़ता है तो बहुत शक्तिशाली हो जाता है। निरंकार से जुड़कर ये मन निरंकार हो जाता है, फिर मन पर माया का असर नहीं होता। मीराबाई जी का मन हरि के रंग में ऐसा रंग गया कि विष का प्याला ही बेअसर हो गया। जब उनको राणा जी ने विष का प्याला दिया तो दीवानगी में, वो इतनी दीवानगी में थी भगवान के कि उनको फिर वो जहर भी बेअसर हो गया। क्योंकि परमात्मा ये नित्य है, ये कायम दायम है, अजन्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ये रंग जब मन में चढ़ जाता है ना, फिर और कोई रंग चढ़ता नहीं है, सारे रंग फीके हैं। बेरंगे के रंग में भींगो, आनंद से भरपूर रहो, बाबा जी कहते हैं कि निरंकार के रंग में रंग जाओ। यही नित्य है, नया है, नवीन है, यही है परमात्मा, बाकी सब पुराना हो जाता है। दुनिया में हर चीज़ से मन भर जाता है, मन उब जाता है। अति सर्वत वर्जयेत, इस माया के साथ में अति हम करते हैं तो हमारा मन भर जाता है। हम कोई चीज़ अगर डेली खाते हैं तो एक दिन वो चीज़ खाने का मन नहीं होता है। कोई भी चीज़ हमारे पास आवश्यकता से अधिक होती है ना तो हमारा मन भर जाता है। लेकिन नहीं कि ईश्वर है, निराकार है, इससे जब मन लगता है ना तो जितना हम सिमरण करेंगे उतना आनंद आता है, जितना हम सत्संग करेंगे उतना आनंद आता है, जितना हम सेवा करेंगे उतना आनंद आता है। तो एक सिर्फ परमात्मा है कि परमात्मा के साथ जितना हम लगते हैं, जितना मन को लगाते हैं तो मन हमारा हमेशा फ्रेश रहता है। बाकी संसार से मन उब जाता है, संसार से मन उठ जाता है, संसार से मन भर जाता है, लेकिन परमात्मा से मन कभी भरता नहीं है। कितनी भक्ति करेंगे उतना कम है, जितना हम सत्संग करें उतना कम है, जितना सिमरण करें उतना कम है, ये फर्क है। तो भक्त हमेशा भगवान से ही प्यार करते हैं और भगवान में ही मगन रहते हैं, राम नाम का अमृत पीते रहते हैं, नाम कुमारी नानका चल जाए दिन रात, दिन रात इसी में मगन रहते हैं। सुख हो दुख हो हर हाल में ईश्वर के साथ में रहते हैं। और एक कृपा है प्रभु की, जब प्रभु से हम प्रेम करते हैं ना तो प्रभु कृपा करते हैं, वरना भक्ति करना सबके वश की बात नहीं है और भक्ति कोई कर ही नहीं सकता है बिना इसकी कृपा के। परमात्मा की कृपा से ही भक्ति होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मृद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। कि राम की कृपा है, सदगुरु कृपा है, अगर हम सत्संग कर रहे हैं, निरंकार का नाम ले रहे हैं, केवल गुरु की कृपा है, वरना माया बहुत प्रबल है। दैवी योसा गुणमयी मम माया दुर्त्या, मामे भी अपद्यंते माया में ताम तनते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन मेरी माया बहुत कठिन है, इस माया से कोई पार नहीं पाता है, लेकिन मैं जिस पर कृपा कर देता हूँ वही इस माया से ऊपर उठता है। सिर्फ और सिर्फ कृपा है। अगर हम निरंकार का ध्यान कर रहे हैं, निरंकार हमें याद आ रहा है, तो निरंकार की कृपा है, गुरु की कृपा है, वरना निरंकार भी याद नहीं आता है, भगवान ही भूल जाता है। जब माया का इफेक्ट पड़ जाता है, माया जब प्रभाव डालती है तो फिर परमात्मा ही भूल जाता है, परमात्मा याद नहीं आता है। ये तो परमात्मा की कृपा से परमात्मा याद आता है। अगर हम सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, सत्संग बुलावा आ रहा है, तो गुरु कृपा है।
ईश्वर की विशेष कृपा है, वरना सत्संग में कौन जाता है आजकल इस मायावी युग में। किसको पड़ी है सत्संग करने की, लोगों का तो एक मानसिकता बन गई है। अभी तो हम जवान हैं, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, खाने खेलने के दिन हैं। जब बूढ़े होंगे ना, तब जाकर भक्ति कर लेंगे, तब सत्संग करेंगे। ये लोगों का ऐसा मानना है, सोचना है कि ये जो भक्ति है ना, ये बुढ़ों का काम है, बुजुर्गों का काम है। अरे अभी तो जवान है, हाथ पैर चल रहे हैं, भक्ति नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में खाक भक्ति करेंगे? जब हाथ पैर हमारे हिलेंगे, जब जुबान काम नहीं करेगी, नज़रें कमज़ोर होंगी, तब क्या हम भक्ति करेंगे? भक्ति तो बाल्यावस्था से की जाती है। बाल संत प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने भक्ति की, ध्रुव ने भक्ति की, तो भक्ति बचपन से की जाती है। आज हमारे सुंदरमकारी मिशन में बाल सेवा दल को हम तैयार करते हैं, बाल संगत करते हैं, और दास भी अपने स्कूल में, यहाँ पर जो सदगुरु कृपा सेवा मिली है, तो बच्चों पर दास मेहनत करता है, बच्चों को राम नाम का अमृत पिलाने की दास कोशिश करता है, सबको सिमरन करवाता है। जब छुट्टी होने से पहले, जब स्कूल की छुट्टी होती है उसके आधा घंटा पहले, सारे बच्चों को सिमरन करवाया जाता है। डेली स्कूल में मंगलाचरण, शुरुआत में जब बच्चे आते हैं तो प्रेयर में मंगलाचरण, सिमरन और सेवादल प्रार्थना गीत डेली बच्चे गाते हैं। दास मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है बाबा जी के नक्शे कदम पर चलने की। बाबा हरदेव ने कहा, सद्गुणों का हो विकास, यही हमारा है प्रयास। तो दास भी कोशिश करता है कि इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आ जाएं, इन बच्चों में अच्छे सद्गुण आ जाएं, ये बच्चे भी आगे चल के मिशन का नाम रोशन करें, सारे बच्चे ज्ञान ले लें। दास का ऐसा सोच है, कृपा करने वाला तो मालिक है, निरंकार सद्गुरु है, लेकिन दास कोशिश कर रहा है। दास अपना कोशिश प्रयास यही कर रहा है, बाकी आके दातार की मर्जी। तो डेली स्कूल में, क्योंकि हम बाकी एजुकेशन तो दे ही रहे हैं, जो बाकी स्कूल में पढ़ाया जाता है वो तो हम पढ़ाते ही हैं, जो फिजिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ये सब जो बाकी स्कूल में, वो तो यहाँ पढ़ाया जाता है। बट एक्स्ट्रा आधा घंटा एक भक्ति का पाठ भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, कि ये बच्चे हैं, बचपन से इनमें बीज डाला जाए, भक्ति का बीज, इनके अंदर सदगुरु का प्रेम पैदा किया जाए। तो कुछ बच्चे सत्संग भी जाते हैं, दास ने पिछले साल से शुरू किया, तो कुछ बच्चे सत्संग भी जाते हैं, यहाँ संडे को सत्संग होती है सुंदरमकारी मिशन की, तो बच्चे वहाँ भी जाते हैं। तो बच्चों को यहाँ लगन लगी, तो बच्चों ने पूछा हमको सत्संग जाना, तो दास ने उनको सत्संग का एड्रेस दिया और सत्संग लेकर भी गया, कुछ बच्चों को लेकर भी गया, तो हर संडे सत्संग भी करते हैं। तो धीरे धीरे कोशिश कामयाब हो रही है, गुरु कृपा हो रही है। तो ये जो अमृत हमने पिया है सदगुरु कृपा से, जो हमें ये नाम का अमृत मिला है, प्रभु निरंकार मिला है, तो हम कोशिश करें कि आगे से आगे इस अमृत को बांटें, बांटते हुए चले जाएं। क्योंकि संत का काम यही होता है कि परमात्मा के साथ सबको जोड़ देना, राम नाम का अमृत पिलाना। तो संत वही होते हैं जो खुद इस अमृत को पीते हैं और सबको इस अमृत को पिलाते हुए चले जाते हैं। तो यही अरदास प्रार्थना है सदगुरु माता जी के पावन चरणों में, कि माता जी कृपा करना, शक्ति देना, कभी हौसला ही हिम्मत टूटे ना, ये जोश जज्बा जुनून जो आपने सेवा का भक्ति का दिया है, ये निरंतर बढ़ता रहे और अंतिम श्वास तक इसी प्रकार इस जज्बे के साथ में सेवा सत्संग सिमरन करते रहें और सबको निरंकार के साथ जोड़ते रहें, सबको राम नाम का अमृत पिलाते रहें। सात संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।